वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए टेट्राउन कंपनी का लेके आया हूँ स्पेंडल एंड बेल्ट सैंडिंग। दोस्तों आज हम इसकी ओपनिंग करेंगे, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखी इसके अंदर, तो मैं आपके सामने इसकी ओपनिंग करूंगा। दोस्तों हम पहले वाली मशीन सैंडर को ओपन करने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों बॉक्स हमारा खाली हो चुका है। दोस्तों इसका कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, बड़ा जबरदस्त है, ब्लैक और ऑरेंज कलर है इसका। ये हम इसको दोस्तों, ये उनके बड़े काम की चीज़ है, जो उनका गुलाइयों वगैरह का काम करते हैं, फर्नीचर की जैसे आर्च वगैरह का काम होता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि जैसे मैंने जेट कंपनी का मैंने दिखाया था आपको, जेट कंपनी का भी दिखाया था बेल्ट सैंडिंग मशीन डिस्क, तो उसी तरीके की अब ये है। ये उससे अलग है, इसके फंक्शन अलग हैं, उसके फंक्शन अलग हैं। दोस्तों आइए डब्बे में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बार बार कमेंट करते हुए हमें आप रेट नहीं बताते, इसके रेट कितना है। नहीं दोस्तों, शिकायत हमेशा कमेंट वही आप ब्रदर मेरे करते हैं, जो उनसे वीडियो पूरी नहीं देखते, क्योंकि वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी मैं रेट बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं भी रेट आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं कि वीडियो में रेट नहीं बताता, आप बार बार उसी चीज़ पर कमेंट मत किया कीजिए कि आप रेट नहीं बताते, रेट नहीं बताते। और दोस्तों बाकी रही महंगी या सस्ती हैं, जैसे ये टूल ये महंगे हैं या सस्ते हैं, क्योंकि मैं इनको खुद नहीं बेचता, मैं तो सिर्फ परचेज करता हूँ। मैं तो आप भाइयों को बताता हूँ, किसको अच्छा लगा तो वो परचेज कर ले, नहीं लगा तो वीडियो देखने में कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों, आप भाइयों के। तो दोस्तों एक शिकायत और है आपसे, आप जिस टाइम मुझे फ़ोन करते हो, कभी रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हो, कभी सुबह 4 बजे फ़ोन करो, प्लीज़ ऐसे तंग मत करो। अगर नंबर मैंने दे दिया आपको तो करना तो मुझे 2 से 3 बजे के करीब, जब भी आप मॉर्निंग में फ़ोन कर सकते हो। आइए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। अनबॉक्सिंग चालू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों किसी भी भाई को अगर परचेज वगैरह करनी है तो ऊपर आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भाई को अगर अमेजोन पर परचेज करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी परचेज इसको कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ क्या हमें ये थ्रोट प्लेट मिलती हैं, ये 5 प्लेट हैं इसके साथ। और जी हमें इसके साथ सैंडिंग ड्रम मिलते हैं, ये भी इसके साथ 4 हैं दोस्तों। और इसके साथ मैनुअल एक गाइड मिलती है, जो सी हमें देखने की जरूरत नहीं, जो सी स्विच भाषा में होती है जी, तो हम इसको साइड करते हैं। और एक हमें इसके साथ चाबी मिलती है जी, ये भी इन साइड में। और इसके साथ नट बोल्ट और कुछ थोड़ी सी पत्तियाँ मिलती हैं, इसके साथ वाचलें मिलती हैं, वो भी इन साइड में कर देंगे। और ये हमें ये बेल्ट सैंडिंग मिलते हैं, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। और दोस्तों ये हमें मिलते हैं, ये इसके साथ गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड रेगमल, मिलते हैं हमें इसके साथ। ये मिलेंगे हमें इसके साथ, ये 5 मिलते हैं, ये 80 नंबर के हैं। दोस्तों ये मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों एक तो शुरू में क्या हमें 2 मीटर इसके साथ वायर मिलती है, और इसका जो सा वेट है 12 किलो 900 ग्राम इसका वेट है, और जो सी इसकी वोल्टेज 450 वोल्टेज की है। और दोस्तों इसका हम साइज की बात करते हैं, जो सा हमारी इसकी ये लंबाई है 13.25 इंची की है, यहाँ तक टॉप तक, जमीन से लेकर टॉप तक 13.25 इंची की है, ठीक है। और ऊपर का जो सा टॉप है हमारा इसकी है 17.25 इंची ऐसे है, और ऐसे इसका साइज बनता है हमारा 16.25 इंची बनता है। तो दोस्तों इसकी हम बात करेंगे, इसका टॉप है जो उनसे ऊपर का टॉप है, ये अल्मीनियम के सेक्शन का पाउडर कोटिंग इन्होंने कर रखा है, बड़ा अच्छा इसका पाउडर कोटिंग का टॉप है, जो उनसे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, नीचे ऑरेंज का दे रखा है, ऊपर इन्होंने ब्लैक का दे रखा है। और दोस्तों इसकी जो हम बेल्ट की स्पीड की बात करते हैं, तो 1 मिनट में 480 मीटर ये घूमती है, और अगर हम स्लीप डालेंगे इसके अंदर तो इसके 2000 RPM रहते हैं। और दोस्तों हम इसकी जो इसकी बात करेंगे, और ये हमारा रोटेट होती है प्लेट, ये देखिए मैं इसको लूज करता हूँ, ये 0 से लेकर 45 डिग्री तक ये रोटेट होती है, आपने जिस भी डिग्री तक आपने इसको बांधना है, जहाँ मर्जी इसको टाइट करके काम करते हैं। और देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लेट के अंदर, ये जगह जगह पे इन्होंने ये एरो के सेक्शन बना रखे हैं, खाली है ये क्योंकि जब हम वुड वगैरह लगाते हैं तो एयर के साथ चिपके ना हमारी, और ये नीचे की तरफ भी ना हमारी वुड स्लिप ना करे, तो इसलिए होता है हमारी वुड एक तो इसके साथ अपनी चिपकेगी नहीं, वैक्यूम नहीं इसके साथ बनेगा, क्योंकि ये एयर के हैं, एयर इनमें आर पार हो जाती है, ठीक है। इसको हम फिर सीधी कर देंगे,
और दोस्तों जोन सी हमारी स्लीप के लिए इन्होंने सेक्शन बना रखे हैं, कौन कौन सी स्लीप हमें इसके साथ मिलती है, ये देखो 2 इंची की है और 1.5 इंची की है, 1 इंची की है, 0.25 इंची की है, 0.5 इंची की है, ठीक है। और इन्होंने ऑन ऑफ का दे रखा है, ये रेड से ऑफ हो जाएगा और ग्रीन से ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने वाशलों के सेक्शन दे रखे हैं, इन्होंने सामने आपको नज़र आ रहे हो, ये इन्होंने पॉकेट बना रखी है वाशलों के लिए, और इधर की तरफ भी इन्होंने पॉकेट बना रखी है वाशलों के लिए, ठीक है, ये चाबी के लिए, और इधर की तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इन्होंने बता रखी है। और दोस्तों जैसे हमने स्लीप इसमें लगानी है तो क्या ये हमारा पोर्शन ओपन रह जाता है, इसको इन्होंने क्लोज करने के लिए साथ में इन्होंने ये प्लेट दे रखी है प्लास्टिक की, तो हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे जब हमें अपनी स्लीप लगानी हो, क्योंकि इसमें हमारा हाथ वगैरह ना जाए, इसमें सेफ्टी पॉइंट है। और ये दोस्तों इन्होंने साथ में ये प्लेट दे रखी है, ये इन्होंने इसलिए, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने इसलिए दे रखी है जैसे हम वुड वगैरह लगाएं तो हमें इसके सपोर्ट मिल जाए, तो हमारा वुड इधर की तरफ मत भागे, ठीक है। अब मैं बाकी आपको इसके ऊपर फिट करके दिखाऊंगा और वर्किंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बेल्ट ऊपर फिट करनी है, ये देखो इन्होंने प्लास्टिक की एक प्लेट दे रखी है, इसके अंदर स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है, ये हम इसके अंदर, ये तो पहले इसके अंदर डली हुई है, ये हमने फिट कर दी, तो ये वाले स्लॉट इसके अंदर आ जाएंगे, ये देखिए इस तरीके, और ये वाला खांचा इसमें फंसेगा, ये देखिए, ये हमारी दोस्तों बेल्ट इसके अंदर फिट आ गई। दोस्तों जब हमने टाइट करनी है तो देखो इधर की तरफ हमने ये इसको लीवर को अपनी तरफ को खींच लेना, ये देखिए ये लीवर खींच दिया, ऐसे बेल्ट हमारी टाइट होगी, ठीक है। और जोनसा इसमें जोनसा हमने रेगमल वगैरह फिट करना है, ये देखो एरो का निशान ऊपर लगा हुआ, तो इधर की तरफ ये हमारा रेगमल वेगमल मैं आपको लूज करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसमें भी तीर के निशान बने हुए हैं, तो इधर की तरफ भी बने हुए हैं, तो 80 नंबर का ये रेगमल हमारा, ये मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखा भी देता हूँ, ठीक है, तो हमारा ये ऐसे फिट होगा, तो हमने नीचे कर दिया, तो ये हमने टाइट कर दिया। ये हमारा क्या है, ये बेल्ट को ये ऐसे करता है, जैसे आपका बेल्ट नीचे लग रही है तो इसको प्लस और माइनस में करता है, ठीक है, ये बेल्ट आपने ऊपर नीचे करनी है, ये उस हिसाब से करता है, मैं आपको वर्किंग करके भी दिखाऊंगा। और दोस्तों और इसके साथ क्या होता है, साइड में जो सा हमारा डस्ट वगैरह जाता है, ये साइड में से डस्ट निकलती है और डस्ट कनेक्टर लग जाता है इसके साथ, ये लग गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, और हाँ दोस्तों इसका लॉक हमने लगा लेना ऊपर से, ठीक है, क्योंकि अगर लॉक नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो हमारी सैंडिंग बेल्ट का मैं आपको साइज बता देता हूँ, ये 4 इंची ऐसे है और 11 इंची ऐसे है, और ये जैसे अप डाउन जाती है, ऊपर नीचे जाती है, जब ये चलेगी अपना काम करेगी तो 16 mm ऊपर अप डाउन जाती है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये है ये बैलेंस करने के लिए, जैसे हमारा ये पेपर कभी ऊपर चढ़ रहा है कभी नीचे चढ़ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया, ये देखिए क्योंकि हमारा पीस इधर की तरफ नहीं जाएगा, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ये देखिए। दोस्तों मैंने इसको एंगल पर बांध लिया 22 डिग्री पर, अब हम यहां से इसको करेंगे। दोस्तों कोई भी पीस की गुलाई वगैरह हमने ना तो इधर से करनी ना इधर से करनी है, इससे क्या होगा ये हमारा जो सा पेपर का बेल्ट का बैलेंस है बिगड़ जाएगा, ये अप डाउन होने लग जाए। इसके लिए क्या करना, हमें ये स्लीपें दी हुई हैं तो इससे हम करेंगे, जैसे अंदर की तरफ से हमें गोल करना है तो इसकी मदद से करेंगे, ये मैं आप करके दिखाता हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँगा बेल्ट को उतार दूंगा। दोस्तों हम इसके ऊपर स्लीप लगाएंगे 1.5 इंची की, तो पहले क्या करेंगे इसकी बेस प्लेट हम लगाएंगे इसके ऊपर,
और बेस प्लेट लगाने के बाद तो हम इसकी जो सी 1.5 इंची की, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने, मार्किंग कर रखी है 1.5 इंची की, तो हम इसके अंदर डालेंगे। क्योंकि ये इसलिए डालेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये आर पार जाएगा, जोन जोन से साइज की हैं वही वही इसमें ये वॉशर लगेंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसको स्लीप बोलते हैं, जब इसके अंदर आ जाती है तो उसको स्पिंडल बोलते हैं। तो इसके अंदर हम ये डालेंगे, इसके ऊपर वॉशर रखेंगे, तो इसके ऊपर ये लगाएंगे। टाइट हो गया हमारा दोस्तों, ये आपको बेस प्लेट नज़र आ रही होगी जिसको मैं वॉशर बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर भी इन्होंने सुराख वगैरह किए हुए हैं, तो इसलिए कर रखे हैं क्योंकि डस्ट वगैरह है वो इसके अंदर चली जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो बिल्कुल क्लोज नहीं है, बंद नहीं है कि डस्ट ऊपर ही रहेगी। दोस्तों इसके ऊपर मैं वर्क करके दिखाऊँगा, क्योंकि ये हमने प्लेट बिल्कुल सीधी कर ली है, बेस प्लेट, तो मैं इसको ऑन करूँगा। दोस्तों ये देखिए कितना स्मूथ आया है ये, कोई भी भाई मेरा फर्नीचर का, ये उनके लिए मशीन सबसे ज़्यादा कामयाब है, जैसे कोई गुलाई का कुर्सियों का काम करता है, जैसे वुड के कोई खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो काम हम हाथ से पूरे यानी कि एक दिन में करते हैं ना, यहाँ से पूरे ये मेरे ख्याल 1 घंटे में कर देगी। और इसका मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा, इसका प्राइस कितना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, अपने वीडियो में बने रहना है। ठीक है, और ये देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसने, जैसे हम गुलाई वगैरह करते हैं, कोई भी चीज़ गुलाई करते हैं, जैसे हम फाइल वगैरह मारते हैं तो हमारा हाथ गुनिए में नहीं होता, ये बिल्कुल राइट एंगल में आई है, बिल्कुल गुनिए में आई है, ये देखिए बिल्कुल गुनिए में आई है। कोई भी लक्की चीज़ वगैरह कुर्सियों के, जैसे हमारी लेग्स वगैरह होती है लक्की वगैरह, उस पर उसके ऊपर भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मेरे पास इस टाइम है नहीं, तो मैं आपको वर्क करके दिखाता, गुलाइयों के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों जो सा इसका प्राइस है 35,000 है, और इसको किसी भाई को अगर परचेज वगैरह करनी है तो सामने आपको स्क्रीन पर ऊपर नंबर नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और भाइयों आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करनी है, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है।